चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? मैं हूँ ध्रुव अग्रवाल, आ गया ब्लॉग के साथ वापस। और आज है दिन वेडनेसडे, और मंडे ट्यूजडे तो मेरी कॉलेज होता है, तो वहाँ तब तो ब्लॉग में आया नहीं। तो आज वेडनेसडे है, तो आज जाएंगे हम जॉब के लिए, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। बट फिलहाल आप लोगों में, अभी तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा था अपने डाइनिंग टेबल पे, जो हम कल रात को उठा के नहीं लाए, इन द सेंस ये हम लोग मार्केट प्लेस है ना, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो हर्ष को मिल गई है, फिर भी मैं पीछे वाली गली से उठा के लाने दी, हम लोग उठा के ले आए। वीडियो में जैसे दिखाया भी, एक छोटी सी जो क्लिप डाली है मैंने, उसमें देखा एक ये लाए थे, ये तो अभी गली लाए हैं, अभी देख लो इसमें बस वो ग्लास नहीं है, उसका कोई जुगाड़ कर लेंगे, बाकी है तो मस्त चार चेयर भी हैं। और हम लोगों ने सोफ़ा भी मंगाया था, ये हमें फ्री का तो नहीं पड़ा। देखो पूरा सोफ़ा, इस पे दो कंबल भी रख दिए ना, तो मस्त कोई आराम से सो भी सकता है इसमें तो। बट ये हमें फ्री का नहीं मिला, इसमें हमने $400 दिए थे। $400 हमें इसको बहुत वर्थ लगे, क्योंकि मतलब सही है, बहुत कंफर्टेबल भी है। और यहाँ पे ठंड तो हो चुकी है बाहर, बट इस धूप की वजह से लगता नहीं ठंड नहीं है, बट ठंड है क्योंकि हवा चल रही होती है ठंडी। सुबह सुबह की तो बहुत ठंड है, अभी जब धूप आ गई तो थोड़ी कम ठंड हो जाती है, फिर रात को बढ़ जाती है। चलो कोई बात नहीं, अभी नवंबर को कोल्ड भी हो रखा है। बट फिलहाल अभी बस मैंने ब्रेकफास्ट किया है, मतलब बस चाय पी रहा हूँ, राजमा चावल रात को बनाए थे वही खा लिया हमने सुबह भी, तो अब बस रेडी हो गए, फिर चलते हैं। पहले कॉलेज जाना है, कॉलेज से मेरे को रिज्यूमे पकड़े, अपने दोस्त थे उसने मेरे प्रिंट आउट निकलवाए थे रिज्यूम्स के, तो वो पकड़ूंगा उससे, फिर निकलते देखते कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बट फिलहाल अभी चाय पी लूँ, फिर नहा धो के चलते हैं कॉलेज को। आज के व्लॉग में ये दिखाऊंगा कि जॉब का क्या सीन है। मेरे को अभी तक तो मतलब एक दो रिप्लाई आए थे इंटरव्यू के, बट दे आर आस्किंग फॉर द फुल टाइम, बट मैं फुल टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पार्ट टाइम है। सेम नंबर पे, सोशल इंश्योरेंस नंबर पे सिर्फ 20 आवर्स अलाउड है मेरे को। जो इस साल आए थे उनको सबको ही 20 आवर्स है, जो पहले इससे पिछले साल आए थे मतलब 2022 में आए थे उनको है, वो 40 आवर्स कर सकते हैं। बट अगर हमें सिर्फ 20 आवर्स है तो हमें 20 आवर्स के लिए देखनी पड़ेगी, बट कोई हायर नहीं कर रहा है यहाँ पर अभी तक 20 आवर्स के लिए, मेरे को दिखा नहीं। बाकी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनका भी मेरे को पता नहीं है, तो और जगह मैंने एक्सप्लोर करनी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट होप फॉर द बेस्ट, और जी ऐसी ना चले वही कोशिश है। बट मेरे को लगता है कि नेक्स्ट मंथ जब रेंट देना है तब छेड़ी जाएगी GIC, क्योंकि यहाँ पे आके बुक्स भी खरीदनी पड़ी $450 के आसपास, मेरी चार बुक्स आई, ई बुक्स आई हैं, तो वो लेनी भी ज़रूरी थी, तो वो भी ली, और बाकी खर्चा भी है, और देखो कौन आया है घर पे। फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं, और बाहर बहुत चल रही है हवा, मेरे बाल अभी उड़ रहे हैं, तो मैं धो के भी वॉश भी करके आया हूँ, तो इतने सॉफ्ट हो रखे हैं अभी ऊपर से हवा, बट स्टिल कोई नहीं। जा रहे हैं हम लोग एक पब है उसको देखने, क्योंकि पब मतलब पब को देखने नहीं, वहाँ पे जॉब का ऑफर है एक, तो देखने जा रहे हैं। यहाँ से है कुछ अपने घर से 1.5 घंटे का रास्ता, अभी वॉक करके थोड़ा आगे जाना है, फिर वहाँ से बस 3 बस चेंज कर लिए, बट स्टिल हम लोग अभी जाएंगे देखने जॉब का, क्योंकि वहाँ से मेरे को, वहाँ से नहीं आया उनके एक मतलब सेम ही या तो फ्रेंड, मतलब उनके फ्रेंड का था एक रेस्टोरेंट वहाँ पे, मैं रेज्यूम दे के आया था, तो उनका उनको कॉल आया कि वहाँ पे एक बार आप जाके आओ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं, और थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा, और हवा भी चल रही है तो आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी, बट स्टिल अभी हम चलते हैं आगे। यहाँ से मेरे को कुछ 700 मीटर्स है वो वॉक करना है, फिर वहाँ से बस मिलेगी, बस है मेरी 2:08 की, 150 हो चुके हैं, तो 3 मिनट्स में मेरे को 750 मीटर कवर करना है। अभी चलते हैं जल्दी, और धूप इतनी तेज़ है, गर्मी हो रखी है, बट स्टिल चलो चलो चलें, देखते हैं क्या होता है आज और या पार, लेट्स गो। अभी लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ, टाइम हो गया है 2:08 पे बस है, तो लेट्स सी वेट करते हैं, फिर निकलते हैं बस में, 3 बस चेंज करनी है, 3, कोई बात नहीं करेंगे। धूप बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा, और हवा भी चल रही है, बाल भी सारे ख़राब हो रखे हैं, लंबे भी बहुत हो गए हैं बाल, कटिंग करानी पड़ेगी, चलो कराएंगे। गाइस अभी निकल चुके हैं हम लोग फिर से जॉब देखने, अभी तक जॉब नहीं मिली है, और जो पहले की वीडियोस हैं वो हैं 1 दिन पुरानी, तो उसमें सीन ऐसा था कि गया था काम किया, बट जो हुआ उसके लास्ट में बताऊंगा व्लॉग के, बट अभी फ़िलहाल चलते हैं और देखने जॉब, थोड़ा सा यहाँ से दूर मतलब शुभ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, और लेट्स सी क्या होता है। धूप बहुत तेज़ है एज़ ऑलवेज, बट ठंडी हवा भी है इसलिए जैकेट पहनी हुई है। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है बाकी, और जो भी हुआ वो लास्ट में बताऊंगा, तो स्किप मत करना, लास्ट तक देखो सब बताऊंगा। यहाँ पे जहाँ पे आया था वहाँ पे तो अभी हायरिंग
चल नहीं रही, एक दो जगह और थी वहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, इसमें जैसे डॉलर डोलारामा था वहाँ पे कर दिया ड्रॉप, तो देखो क्या होता है। बट अभी यहाँ से वापस की बस बहुत देर में थी, मतलब एक घंटे बाद थी, तो मेरे को ऊबर करानी पड़ गई, ऊबर में ही सारे पैसे चले जाएंगे। बट कोई नहीं, हम चलते हैं वापस, और एक एजेंसी है वहाँ चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा अपना इन्फॉर्मेशन दे के आते हैं, तो हो सकता है कोई वहाँ से ही ऑफर आ जाए। तो चलो वापस चलते हैं ऊबर में, अभी ऐसे जा रहे हैं आज से, कोई बात नहीं, अभी आएंगे तब मज़ा, अभी आ नहीं रहे, अभी जा ही रहे हैं सारे पैसे। फिर अपने मतलब घर के पास वाले प्लाजे में आ चुका हूँ, और यहीं पर मतलब पास में मैंने ऊबर कराई थी, तो यहीं उतर गया। अब यहाँ से मैं पकड़ूँगा 302, 302 से जाएंगे बिटवी, बिटवी में है वो जो भी अपना एजेंसी है वो बिटवी में है। तो चलो अब यहाँ पे बस का वेट करना है, अभी कुछ हो रहा है 150, और 2 बजे बस है, तो 10 मिनट यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा हमें। वापस घर पे आ गया हूँ, हाँ बोला था कि वहाँ जाऊँगा एजेंसी, वहाँ गया भी था, बिटवी मतलब पहुँच गया, मतलब एजेंसी के बाहर खड़ा हूँ, तो गेट लॉक है, मैंने कहा क्यों लॉक है, मैंने फिर देखा ऑनलाइन तो आज का क्लोज था, सो ये गलती हो गई, मैं देख के नहीं गया यहाँ से कि वो क्लोज्ड है, तो वो क्लोज था। फिर अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को भूख भी लग रही है, अब खाया सुबह से बनाना ही खाए थे, तो ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं, इसलिए भी चल रहे हैं घर। और अप्लाई किया है 2 जगह उसको रिज्यूम्स में, बाकी तो सब कह रहे थे कि भाई ऑनलाइन करो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन ही चांस मिलेगा, इनकी वेबसाइट्स होती है तो वेबसाइट्स पर जाके उनके अप्लाई करेंगे। और हवा चल रही है, धूप भी है, तो अजीब सा मौसम है, बट चलो अभी चलते हैं घर और थोड़ा मुँह हाथ धोता हूँ, फिर आपको बात बताता हूँ क्या हुआ था वो पिछली जॉब में जिसमें मैं गया था। सीन अभी कुछ हुआ नहीं उसका, तो तब उसने तो मना कर दिया जॉब के लिए, बट चलो सारी कहानी बताता हूँ घर जाके आप लोगों को। ओके गाइस, अभी हो चुकी है शाम, और अभी हम लोगों ने रेस्ट भी कर लिया प्रॉपरली। तो सीन ऐसा था कि परसों गया था मैं एक जॉब पर, वहाँ पर मेरे को किसी ने कहा था कि होके आना, तो जो वहाँ का ओनर था उसने कहा कि हाँ स्टार्ट कर दो। तो पहले मैंने पूछा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं चाहिए, तो उसने कहा हाँ नहीं चाहिए, तो आप वो कहता कि हाँ बाद में दे देना कोई बात नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है बाद में देंगे, क्योंकि नए नए स्टूडेंट आए होते हैं और महीना हो जाता था इनको, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था जॉब नहीं मिल रही थी, तो एक अंदर से भी वो हाँ चलो जॉब मिल रही है तो कर लेते हैं। तो उसी टाइम मैंने कुछ स्टार्ट किया था, तो 5.5 घंटे की कोई मैंने शिफ्ट लगाई थी तब। उसके बाद मान लो मतलब मेरे घर से वो दूर है 1.5 घंटे का, मतलब 1.1 मान लो पूरे पूरे 1.5 घंटा लग जाता है आने जाने, 1.5 घंटा लगता है जाने में और 1.5 घंटा आने में, मतलब 3 घंटे का ट्रैवल ही था उस जॉब के लिए। तो वहाँ तो हुआ ऐसे कि उस दिन मैं काम करके आया, तो जब मैं निकल रहा था तब मैंने उनसे पूछा कि अब कल कितने बजे आना है, तो कहते कल फ़ोन करेंगे, मैं कहा चलो ठीक है, तब तो मैं निकल गया खुशी खुशी। तब उन्होंने वहाँ का जो शेफ़ था उन्होंने मेरे को पास्ता ही बना के दिया था, तो वो तो चलो बहुत अच्छी बात थी। वहाँ के मतलब शेफ़ वगैरह जो मतलब काम कर रहे वो सारे ठीक थे, बॉस भी ठीक था, बट द सीन इज़ फिर नेक्स्ट दिन जब मैंने सुबह उठ के फ़ोन किया, मतलब मैंने पहले वेट किया काफ़ी देर तक, 11-12 बजे तक मैंने वेट किया, 12 बजे मैंने कॉल किया, तो ही सेड कि लाइक आज तो मैं ज़रूरत नहीं है, तो जब हो गई तब बुला लेंगे। तो ये चीज़ मैंने बाकी को बताई अपने घर में कि ऐसा ऐसा सीन है, कि ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, तो दे सेड कि ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है आ भी जाए कॉल, बट एक दिमाग में होता है ना कि हाँ एक होता है दिमाग में रहता कि कहीं मतलब ऐसे ही फ्री में काम तो नहीं करा लिया। तो उसके बाद भी ने कहा कि एक ट्रिक से उसको फ़ोन कर और उसको बोल कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ जॉब लगी है कि नहीं लगी। तो जब मैंने उसको इसलिए फ़ोन किया तो ही सेड कि आपको अभी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये है वो है। सो आई मतलब बिल्कुल नॉर्मली मैंने बात की, हाँ मैंने कहा चलो ओके कोई बात नहीं, मेरी जो 5-5.5 घंटे की शिफ्ट बनती है, जो भी मेरी वेज रेट पर बनता है वो आप मेरे को दे दो। तो उसके बाद उसने कहा हाँ वो दे देंगे आपको, अगले हफ्ते आके लेके चले जाना, तो हम आपको कॉल कर देंगे जब आपकी पे रेडी होगी, तो आप आके लेके जाना। तो मैं भी कहा हाँ चलो ठीक है, बट ये है कि उसने मेरे से एक काम कराया, और अगर आगे मेरे को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पैसे मेरे को आएंगे नहीं आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता, जो भी होगा मैं आपको व्लॉग में बता ही दूंगा आके। बट अभी भी 1 महीना हो चुका है मेरे को यहाँ आए हुए, और मैं जॉब्स अभी भी ढूंढ रहा हूँ, और ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहा हूँ, फिजिकली भी मैं जा रहा हूँ, कोई कमी पेशी नहीं छोड़ रहा, बट अभी तक जॉब नहीं मिली है। रिस्पॉन्स आता है, कभी फुल टाइम मांगते हैं, और आई तो पहली बार हुआ मेरे साथ, अब देखते हैं इसके अगले पैसे मिलते नहीं मिलते, मेरे को अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसके पैसे मिलेंगे, बट चलो कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि 5 घंटे काम किया, किचन का काम था रेस्टोरेंट में, बैक किचन में काम था, तो हाँ चलो पता लगता है कि काम कैसे होता है, इतना एक्सपीरियंस मेरे को मिला,
तो चलो वो तो ठीक है, वहाँ पे काम मेरे को लगा कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि कुकिंग का मेरे को शौक भी है, खाना बनाना आता भी है। बट एज ही सेड कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उतनी मेरे को लगेगी नहीं, मेरे को होगी। बट चलो अपना अपना मतलब होता है, और उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, तो हो सकता है कहीं मेरे में भी कमी पेशी रह गई हो। बट ये है, करते करते सब सीखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे अगर आगे कोई भी आता है तो मैं यही कहूँगा कि एक बार ही आप उसको ये चीज़ कंफर्म कर लो, कहीं आप लोगों के साथ ये भी ना है कि हाँ भाई काम किया और फ्री में हो जाए जैसे मेरे साथ हुआ। आगे इसी चीज़ का मैं भी बहुत ध्यान रखूँगा कि मेरे साथ ऐसा ना होए। तो चलो अब जो हुआ उसमें कुछ कर नहीं सकते, आगे से हम आगे भी ध्यान रखेंगे, आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना। अब कल का सीन पता नहीं क्या आता है, कल एक मेरे को जगह जाना है, वो भी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे देखते हैं, बात करके आते हैं क्या सीन है, कल फिजिकली उनसे मिल के आते हैं। जो भी होगा जैसा भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। तब अब ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, उस लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और ध्यान रखना कि आप लोगों के साथ ऐसा ना होए, जो भी आ रहा है या जो भी है यहाँ पे, जो भी जो ढूंढ रहा है मेरा व्लॉग देख रहे हो तो ऐसा चल रहा है भाई, मेरे साथ तो हो गया, तो इसलिए मैं अपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पूरा रॉ बनाता हूँ, कुछ ऐसे जो मतलब कट ही नहीं है, जो सच है सिर्फ सीधा सच सच हम बता देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो भी होगा आप लोग साथ जरूर शेयर करेंगे। बट यहाँ पे महीना हो गया और कुछ 20 दिनों तक, 20 दिनों से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो आ रहे हैं रिस्पॉन्स भी आ रहा है, बट नॉट दैट गुड। तो बस भगवान में भरोसा रखो, जब आएगा बहुत अच्छा आएगा, बस हम लोग इसी चीज़ का वेट करते हैं। तो अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड